क्या 2024 में आप उत्तर प्रदेश से MBA करने के लिए गवर्नमेंट कॉलेजेस ढूंढ रहे हैं? तो स्टूडेंट पूर्वांचल यूनिवर्सिटी वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटी है। तो अगर आपने अभी तक इसकी एप्लीकेशन फिल नहीं की है तो जल्दी से इसकी एप्लीकेशन को फिल कर लीजिए। क्या है इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एग्जाम पैटर्न और फीस स्ट्रक्चर? तो अगर आप भी यूपी के इस टॉप यूनिवर्सिटी से MBA करने का सोच रहे हैं तो ये वीडियो देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। सो हेलो एवरीवन, माय नेम इज मुस्कान। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक शेयर और चैनल MBA फंडस बाय सनस्टोन को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस अमेजिंग वीडियो को। वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी, जिसे पूर्वांचल यूनिवर्सिटी के नाम से जाना जाता है, ये यूनिवर्सिटी NAC ए प्लस ग्रेड यूनिवर्सिटी है। ये यूनिवर्सिटी डिफरेंट प्रोग्राम्स जैसे कि UG, PG, PhD प्रोग्राम्स ऑफर करती है, जिसमें से MBA भी एक कोर्स है। इस यूनिवर्सिटी में अगर आपको एडमिशन लेना है तो इसके लिए इसका खुद का एंट्रेंस एग्जामिनेशन PU CAT, पूर्वांचल यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, ये यूनिवर्सिटी कंडक्ट करती है। इस एग्जाम की लास्ट डेट 20th May है। तो अगर अभी तक आपने इस एग्जाम के लिए रजिस्टर नहीं किया तो अभी भी आपके पास टाइम है इस एग्जाम को रजिस्टर करने के लिए। अगर हम इसमें MBA की स्पेशलाइजेशंस की बात करें तो इस यूनिवर्सिटी में आपको जनरल MBA के साथ साथ डिफरेंट स्पेशलाइजेशन भी, जैसे कि MBA इन एग्री बिजनेस, MBA इन ई-कॉमर्स, MBA इन बिजनेस इकोनॉमिक्स, MBA इन फाइनेंस एंड कंट्रोल, MBA HRD यानी कि MBA ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, ये सब स्पेशलाइजेशंस भी मिलती हैं। एलिजिबिलिटी की बात करें स्टूडेंट्स, तो आपको अपने UG में मिनिमम 45% चाहिए हैं, और अगर हम SC ST कैटेगरी की बात करें तो यहाँ पे एटलीस्ट आपको 5% की और रिलैक्सेशन मिल जाती है। और जो स्टूडेंट अपनी ग्रेजुएशन के साथ साथ 1 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस है उसके पास इन डिफरेंट फील्ड, जैसे कि मैनेजरियल है, टेक्निकल फील्ड है, वो भी इस कॉलेज के लिए अप्लाई कर सकता है। सिलेक्शन क्राइटेरिया की बात करें स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे अगर आपने CUT PG का एग्जाम दिया है तब भी आप एलिजिबल हैं इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए, क्योंकि यहाँ पे 50% ऑफ सीट्स जो हैं फॉर ऑल द प्रोग्राम्स उन स्टूडेंट्स को अलॉट की जाती है जिन्होंने CUT PG का एग्जाम दिया है, और बाकी के 50% ऑफ सीट्स उन स्टूडेंट्स को अलॉट की जाती है जो PU CAT का एग्जाम देते हैं। फीस एंड इनटेक की बात करें स्टूडेंट्स, तो पूर्वांचल यूनिवर्सिटी की आपको MBA की फीस 55,450 मिलेंगे, और वहीं इसका इनटेक 60 स्टूडेंट्स का रहता है। बात करें PU CAT एग्जाम की, तो स्टूडेंट्स ये एग्जाम में हर एक सेक्शन कंपल्सरी है और यहाँ पे आपको 2 घंटे का टाइम मिलेगा। अगर हम इसके MCQ टाइप क्वेश्चंस की बात करें तो यहाँ पे आपको 100 क्वेश्चंस मिलते हैं। 3 सेक्शंस होंगे। पहला सेक्शन आपका रहता है थिंकिंग एंड डिसीजन मेकिंग, जिसमें आपको 35 क्वेश्चंस मिलते हैं। सेकंड इज मैथमेटिक्स, इसमें भी आपको 35 क्वेश्चंस मिलेंगे। एंड लास्ट इज योर कंप्यूटर अवेयरनेस, यहाँ पे आपको 30 क्वेश्चंस मिलते हैं। अगर PU CAT के सिलेबस की बात करें तो यहाँ पे अगर हम थिंकिंग एंड डिसीजन मेकिंग को ले रहे हैं तो इसमें आपके पास क्रिएटिव थिंकिंग, वर्बल रीजनिंग, फाइंडिंग पैटर्न ट्रेंड्स जैसे क्वेश्चंस रहेंगे। और वहीं अगर हम मैथमेटिक्स की बात करें तो यहाँ पे आपके पास सेट थ्योरी, एलजेब्रा, कैलकुलस, वेक्टर्स, ट्रिग्नोमेट्री, ये सब कॉन्सेप्ट्स रहते हैं। कंप्यूटर अवेयरनेस में आपके पास कंप्यूटर बेसिक, डेटा रिप्रेजेंटेशंस जैसे क्वेश्चंस रहेंगे। सो आई होप स्टूडेंट्स आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। स्टिल आपका कोई भी डाउट हो तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर आपने इस एग्जाम के लिए अभी तक रजिस्टर नहीं किया तो अभी भी आपके पास टाइम है इस एग्जाम के लिए रजिस्टर करने के लिए। थैंक यू सो मच। स्टे ट्यून्ड फॉर मोर अपडेट्स।